बहनों और भाइयों, हमारा आसाम रिकॉर्ड हुआ था। वो आसाम रिकॉर्ड के आधार पर उसका अमल होना चाहिए और उसके साथ साथ जो नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर है वो भी बनाने की बात का जिक्र सरकार की जिम्मेदारी है, वो भी उन्होंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लगातार इस बात का उपयोग किया गया। बहनों और भाइयों, आसाम की घटना के बाद पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट के लड़कों के साथ जो व्यवहार किया गया वो आपको पता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये हमारा संस्कार है और इस विषय में काफी जानकारी आपको है। हमारे देश भर में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे विद्यार्थी मित्रों के पीछे पूरे शक्ति और ताकत के साथ खड़े रहे और हमने उनको कहा कि डरने का कोई कारण नहीं है, आपकी कोई भी अड़चन अगर समस्या होगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। ये विश्वास हमने नॉर्थ ईस्ट के लड़कों के मन में हम निर्माण करने में यशस्वी हुए, इस बात का मुझे बहुत समाधान है। मैं इस बात के लिए हमारे सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्री आर अशोक। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन गुवाहाटी, दिमापुर, शिलांग, नागालैंड सब जगह पर हमारे लोग गए और वहाँ जो लड़के विद्यार्थी वापस गए थे उनको, उनके पिता, उनके पालकों को, उनके गार्डियन, उनसे बातचीत की गई और उनको बताया गया चिंता मत करिए, ये देश हम सबका है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, आप आइए। बहनों और भाइयों, हमारे सकारात्मक प्रयासों के कारण आज नॉर्थ ईस्ट के हमारे सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी फिर से एक बार पढ़ने के लिए अपने अपने गांव में वापस आए हैं। ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धता है और इस बात के लिए मैं हमारे डेलीगेशन में गए हुए सभी कार्यकर्ताओं को, अशोक जी के नेतृत्व में जो गए उन्होंने बहुत अच्छा ऐतिहासिक कार्य किया है, उनको और भारतीय जनता पार्टी के अनेक राज्यों के पदाधिकारियों को, नॉर्थ ईस्ट सेल के प्रमुखों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। जम्मू कश्मीर के बारे में काफी बार अरुण जी ने पिछले कार्यकारिणी के बैठक में भी अपनी बात रखी थी। पहले तो कह रहे थे कि हम सेपरेट स्टेटस देंगे, अब सेपरेट स्टेटस की बात अभी अलग है कि एक सेपरेट स्टेट, फिर सेपरेट नेशन। जहां तक जो वार्ताकारों थे उन्होंने जो रिपोर्ट दिया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के इतिहास में देश की एकता, अखंडता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ कांग्रेस पार्टी और यूपीए खिलवाड़ कर रही है, अलगाववादी ताकतों का तुष्टिकरण कर रही है, खुशामत कर रही है उनकी। और मैं आप सबके सहयोग के साथ, विश्वास के साथ इस देश को राष्ट्रवाद का विचार लेकर जो हम चले हैं, मैं देश को विश्वास देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार की राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का काम अगर कांग्रेस और यूपीए सरकार करेगी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बात का प्रखर विरोध करेगी और ये नहीं होने देंगी, इस बात का वचन मैं आप सबको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, हमने छोटे राज्यों का निर्माण यशस्वी करके दिखाया। अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड तीनों राज्यों का यशस्वी निर्माण एनडीए के सरकार ने करके दिखाया। और तेलंगाना का क्या हुआ? तेलंगाना के लोगों के साथ मजाक की गई, कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं तेलंगाना की जनता को यह विश्वास देना चाहता हूं कि तेलंगाना का स्वतंत्र राज्य उसी समय निर्माण होगा जब भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन आएगा, एनडीए का शासन आएगा, उसी समय तेलंगाना का राज्य निर्माण हो सकता है। और मैं उनको वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के सेपरेट स्टेट के लिए कटिबद्ध है और जिस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का निर्माण करके दिखाया उसी प्रकार से हम तेलंगाना का भी यशस्वी निर्माण करके दिखाएंगे, इसी बात का वचन मैं आप सबके द्वारा तेलंगाना की जनता को देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, आज पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई और बहनों की हालत बहुत खस्ता हुई है। जो कहानियां हम सुन रहे हैं उनसे हम चिंतित हैं।
हिंदू युवतियों का अपहरण हो रहा है, जबरदस्ती से धर्मांतरण हो रहा है। हिंदुओं की दुर्दशा है, न सुविधा है न सुरक्षा है, इसमें हमारी सरकार कुछ आगे कदम नहीं उठा रही है। हमारे जो ह्यूमन मानवाधिकार के लिए जो एक्टिविस्ट है, उनको हमारे पाकिस्तान में हिंदुओं पर जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है वो क्यों नहीं दिखता, ये मेरे समझ में नहीं आता। हम किसी धर्म का तुष्टिकरण नहीं करना चाहते, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है। हम जात पंथ धर्म भाषा इसके आधार पर सबके साथ समान न्याय करने की बात कह रहे हैं, और जो अन्याय अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, आखिर उसकी रक्षा कौन करेगा? बहनों और भाइयों, मैं निश्चित रूप से हमारे पाकिस्तान में हमारे जो बंधु हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे उसका जिक्र हम निश्चित रूप से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी करेंगे, आपका आवाज उठाने की कोशिश करेंगे और पूरी ताकत के साथ आपकी रक्षा करेंगे, आपके पीछे खड़े रहेंगे। इस बात का वचन भी मैं आप सबके मार्फत उनको देना चाहता हूं। आने वाले समय में गुजरात में और हिमाचल में चुनाव है, और गुजरात में हमने बहुत अच्छा काम किया। 100 दिनों में यह चुनाव होने वाला है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात की सरकार ने तो विकास का एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया है। प्रेम कुमार धूमल जी ने भी एनवायरमेंट के विषय पे हो, अलग अलग विकास की योजनाएं हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट हो, बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म देने की बात हो, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई है कि आज हिमाचल की जनता भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये दोनों चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों राज्य सरकारें सुशासन और विकास की एक अच्छी पहल है, और मेरा विश्वास है कि ये दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। दोनों राज्यों में बहुत अच्छी मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन दोनों राज्यों के चुनाव के लिए हमको निश्चित रूप से सहयोग करना है, योगदान करना है, आप जरूर सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। समय की कमी है, बहुत सी बातें बोलने लायक है, पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बहकर आपके सामने अपना भाषण समाप्त करूंगा। बहनों और भाइयों, हमारी पार्टी की कोई स्पेशलाइजेशन है, कुछ विशेषता है कि पार्टी ऑफ अपोजिशन, इसमें हमने बहुत दिनों तक काम किया है। मोर्चे निकालना, घेराव डालना, सत्याग्रह करना, बड़ी बड़ी सभाएं करना, रैलियां करना बहुत अच्छी तरह से हम करते हैं, और करना भी चाहिए, हम करेंगे भी। पर अब पार्टी ऑफ अपोजिशन की भूमिका को छोड़कर हमको पार्टी ऑफ गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस की भूमिका में आना है। देश हमारे तरफ बड़े अपेक्षा से देख रहा है, हमारे द्वारा जो सुशासन होगा, जो विकास होगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, देश की सर्वांगीण उन्नति और विकास होगा, उसके तरफ देश और दुनिया हमारे तरफ बड़ी अपेक्षा के साथ देख रही है। मैं कनाडा से आया तो लंदन के एयरपोर्ट पर मुझे 5-7 घंटे रोकने का मौका मिला। एक जगह चाय के कार्यक्रम के लिए मैं गया था, बहुत उद्योगपति मुझे मिले और मुझे कह रहे थे कि हमको तो अब वो बात मत कहिए कि देश में क्या गलत हुआ है, हमको ये बताइए कि अब देश की रक्षा कैसे होगी, देश की इकोनॉमी कैसे सुधरेगी, विकास दर कैसे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा इन्वायरमेंट कैसे तैयार होगा, हमारे देश में जिस आर्थिक स्थिति है उससे हम बाहर कैसे आएंगे, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, इसके लिए हम देख रहे हैं। पूरे दुनिया के लोग, देश की जनता एक गुड गवर्नेंस और विकास के मॉडल के रूप में अटल जी के एनडीए की सरकार ने किया हुआ अच्छा काम और उसके साथ हमारे राज्य सरकार ने किया हुआ अच्छा काम, इन सब से हमसे बड़ी अपेक्षा लगाकर है, और इसलिए मैं 3 बातों को महत्वपूर्ण रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की नीति और भविष्य का विजन हमको बनाना होगा, और हमने तय किया है कि हम इंडिया विजन 2025 करके भारतीय जनता पार्टी के विचारों के अनुरूप हम हिंदुस्तान की एक विजन बनाएंगे और उसके अनुसार हम काम करेंगे, उस संकल्प को पूरा करेंगे। वो हमारा हिंदुस्तान के भविष्य का हमारा सपना होगा, जो विरासत, जो इतिहास, जो संस्कृति, जो हमारा विचार, जो हमारी मूलभूत विचारधारा है, जिसके ऊपर हमारा सुशासन और विकास का ये मॉडल है, इसके
इसके आधार पर हमारी ये विचारधारा और उसकी विजन हम जल्दी बना पाएंगे। मेरा विश्वास है कि इसी साल को पूरा करने के पहले इंडिया विजन 2025 हम निश्चित रूप से आप सबके सामने दे पाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। 250 लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपके भी जितने सुझाव हो इंडस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, पावर के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कल्चर के बारे में, सामाजिक सुरक्षा के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, जिन जिन विषयों के बारे में आप सबके मन में जो भी विचार है वो जरूर हमें बताइए। जो जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स है, चिंतक है, जो इसमें सहयोग कर सकते हैं उनके नाम बताइए, निश्चित रूप से नीतियां बनाने में हमको इसका उपयोग होगा। और राज्य स्तर पर कुछ राज्यों ने अपनी विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके राज्य स्तर पर भी आप इसका जरूर विचार करिए, जिला स्तर पर विचार करिए, गांव स्तर पर विचार करिए, योजना तैयार करिए, प्लान तैयार करिए, और जब आपको सत्ता में आने का अवसर मिलेगा तो उस पर अमल करिए, यही मेरी आप सबसे उम्मीद है।